हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 9 टू 10 ईयर बेबी गर्ल के लिए फुल पटियाला ड्रेस बनाना सीखेंगे। और जब ये ड्रेस बेबी को मिल जाएगा तो इस ड्रेस में फोटोज मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करूंगी। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और आप भी ड्रेस को जरूर ट्राई करें और उसकी फोटोज मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रेस के लिए 1/2 इंच चौड़ी 3.5 मीटर लेस ली है और सलवार के लिए 2 मीटर टाफ्टा फैब्रिक, कुर्ती के लिए 1 मीटर बनारसी सिल्क फैब्रिक और सेम कलर की कॉटन लाइनिंग 1 मीटर ली है। अब पहले हम कुर्ती की कटिंग लाइनिंग पे करेंगे। कुर्ती में हम फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग एक साथ करेंगे, तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को यहाँ से डबल फोल्ड किया है, फिर इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे। अब यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे 5.5 इंच, लोअर चेस्ट के लिए 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और जहाँ पे कुर्ती का चौक आता है उसके लिए 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसमें कुर्ती की लेंथ है 26 इंच, तो यहाँ से हम 26 इंच पे निशान लगा देंगे और 1 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे 1/2 इंच शोल्डर के लिए और 1/2 इंच नीचे से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए 27 इंच पे निशान लगा देंगे। अब सभी निशानों को सीधा कर लेंगे। चेस्ट का साइज है इसमें 26 इंच, जिसका 1/4 हुआ 6.5 इंच, तो सेंटर से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और वेस्ट है 24 इंच की, जिसका 1/4 हुआ 6 इंच, तो सेंटर से 6 इंच पे निशान लगा देंगे। और यहाँ पे हिप साइज है 25 इंच, जिसका 1/4 हुआ 6.25 इंच, तो सेंटर से 6.25 इंच पे निशान लगा देंगे। अब कर्व स्केल का जो उठा हुआ हिस्सा है उसे हम इस निशान से रखेंगे वेस्ट के निशान तक और शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम स्केल को इस तरह रखेंगे, अब यहाँ से हम शेप देंगे। कुर्ती के बॉटम पे हिप की साइज से 1/4 इंच बढ़ा के कट करेंगे, तो यहाँ पे हमने मार्क किया था 1/4 इंच और इसमें 1/4 इंच ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 7.5 इंच। अब हम सेंटर से 7.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब स्केल की हेल्प से इस निशान को उस निशान से मिला देंगे। अब इस निशान से नीचे तक हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे और जैसे हमने ये शेप दिया था सेम वैसे ही यहाँ पे भी शेप दे देंगे। नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच, तो सेंटर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और नेक डीप रखेंगे हम 4 इंच, जिसमें हमारा 1/2 इंच मार्जिन शोल्डर को अटैच करने में चला जाएगा, तो 1/2 इंच मार्जिन वो ऐड करेंगे, हो जाएगा टोटल 4.5 इंच। तो यहाँ से हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसमें राउंड शेप देंगे। अब जो हमने लेस ली थी उसे स्टेप पे लगाएंगे और जहां से हमने नेक की विड्थ रखी है यहाँ से हम इस स्टेप को इस तरह रखेंगे और ये स्टेप हम यहाँ पे डबल में लगाएंगे। तो इस स्टेप को पहले ऐसे रख लेंगे और जहाँ पे इसका एंड आ रहा है पहले वहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे और 1/2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे, तो साइड से हम 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो पहले हम इस निशान को मेजर कर लेते हैं, ये आ रहा है टोटल 4.5 इंच, तो नीचे से भी हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। अब साइड से सेम निशान पे कट करेंगे, लेकिन नेक की कटिंग करते समय अंदर के लिए 1/2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। वेस्ट के निशान पे और हिप के निशान पे हम कट लगा लेंगे और नीचे से भी हम 1/2 इंच के निशान पे कट लगाएंगे। और हाँ, लाइनिंग की कटिंग हम तभी करेंगे जब हम लाइनिंग को धो के प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमारी लाइनिंग बाद में सिमटेगी भी नहीं और कुर्ती में फिनिशिंग भी बनी रहेगी। अब इसकी सेम कटिंग हम मेन फैब्रिक पे करेंगे। मेन फैब्रिक पे भी कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हम सेंटर से एक एक पीस को अलग कर लेंगे। एक पीस को अलग करने के बाद कुर्ती के मेन फैब्रिक को नीचे सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम लाइनिंग को बराबर मिला के रखेंगे। अब बॉटम पे 1/2 इंच का जो कट लगाया था वहाँ से हम स्ट्रेट सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट को स्टिच कर देंगे और नेक लाइन को भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसी शेप में फोल्ड कर देंगे और आर्म होल पे भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। नेक लाइन, आर्म होल और बॉटम पर सिलाई लगा दी है और सब तरफ स्मॉल कट भी लगा दिए हैं इस तरह से। अब हम इसे सीधा कर लेंगे साइड से।
सीधा करने के बाद बराबर सेट कर लेंगे और जैसे ये पार्ट तैयार किया है सेम इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों स्टेप को हम अटैच कर देंगे और नेक की तरफ से और आर्म होल की साइड से सिलाई को लॉक कर देंगे। दोनों स्टेप को अटैच करने के बाद अब इसमें लेस स्टिच करेंगे। तो पहले हम मेजरिंग टेप से जहाँ पे हमने जॉइंट लगाया है ऊपर से 2.5 इंच पे इस तरह निशान लगा देंगे। बिल्कुल इस तरह से इधर भी निशान लगा लिया है। अब पहले नेक लाइन पे लेस स्टिच करेंगे। तो हमने जहाँ पे निशान लगाया है वहां से हम लेस को इस तरह रखेंगे और इसी शेप में हम लेस स्टिच करेंगे। यहाँ पे लेस कट कर देंगे और यहाँ से हम लेस को ऐसे डबल में लगा लेंगे। देखिए दोनों पार्ट में इस तरह से लेस लगा ली है। उसके बाद हम कुर्ती को सेंटर से ओपन करके इस तरह बिछाएंगे और दोनों पार्ट के आर्म होल पे एक साथ लेस को स्टिच कर देंगे। तो साइड से हमने फिटिंग के निशान से 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। तो पहले हम 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे और लेस को हम सिर्फ 1/2 इंच बाहर के लिए बढ़ा के रखेंगे इस निशान से। तो ऐसे रखते हुए हम लेस को ऐसे स्टिच कर देंगे और यहाँ पे भी लेस को हम डबल में लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से आर्म होल पे भी लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम कुर्ती को उल्टा करेंगे और साइड से बराबर मिला के बिछा लेंगे। फिटिंग का निशान जो एक साइड लगाया था सेम वैसे ही दूसरी साइड भी लगा देंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे सिलाई को लॉक कर देंगे। बिल्कुल इसी शेप में हम सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे भी आके सिलाई को लॉक कर देंगे और यहाँ से घुमाते हुए सिलाई को उतार देंगे। दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई इस तरह लगा दी है। अब नीचे से चाक को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से भी हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का मेजर करते हुए निशान लगा दिया है नीचे तक। अब हम फैब्रिक को 1.5 इंच के निशान से हाफ फोल्ड करेंगे पहले इस तरह से, फिर जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहां से फैब्रिक को बराबर फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे और सेम ऐसे ही हम सारे चाक को फोल्ड कर देंगे। देखिए दोनों पार्ट में बराबर से फैब्रिक फोल्ड कर दिया है। ऊपर से जो कच्ची सिलाई लगाई है उसे बाद में खोल देंगे और यहाँ पे हेमिंग कर देंगे। अब दामन पे भी लेस अटैच करेंगे। तो ऊपर हमने डबल में लेस लगाई थी, नीचे हम सिंगल लेयर में लेस लगाएंगे। तो यहाँ से लेस लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से पूरी हम लेस अटैच कर देंगे। यहाँ से लेस घुमाते हुए जैसे हमने यहाँ पे लेस रखी है सेम वैसे ही पीछे भी अटैच कर देंगे। देखिए पूरे दामन पे लेस को अटैच कर लिया है और कुर्ती पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम सलवार की पहले कटिंग करेंगे। सलवार के लिए कपड़े को एक साइड से डबल फोल्ड कर लिया है। जिसमें मोरी बनती है वो पार्ट सेंटर पे आता है। तो पहले हम सेंटर के पार्ट की कटिंग करेंगे। सलवार की फुल लेंथ है 32 इंच, जिसमें हम 5 इंच की बेल्ट लगाएंगे। तो नीचे से 5 इंच पहले निकाल देंगे और यहाँ से 32 इंच पे निशान लगा देंगे और 1 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। 1/2 इंच जब हम यहाँ पे बेल्ट को अटैच करेंगे और 1/2 इंच जब मोरी पे पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे टोटल 33 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइज में मोरी रखेंगे 10.5 इंच की। तो साइड से 10.5 इंच पे निशान लगा देंगे और ये निशान हम नीचे तक लगा देंगे। अब साइड से सेम निशान पे कट कर लेंगे। देखिए 2 मीटर फैब्रिक को सिंपल तरीके से बिछा दिया है और जिसमें हम मोरी बनाते हैं उस पार्ट की कटिंग हमने साइड से की थी, तो इस पीस को भी बराबर रखा है। अब बचे हुए फैब्रिक पे पहले हम साइड से क्रॉच लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इस साइज में क्रॉच लेंथ रखेंगे हम 12 इंच की और बेल्ट की लेंथ निकाली थी हमने 5 इंच, तो 5 इंच लेस कर देंगे, बचा 7 इंच। तो ऊपर से पहले हम क्रॉच लेंथ के लिए 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। ऊपर से लेंथ में 7 इंच पे निशान लगाया है और जो निशान 7 इंच पे आया है वहां से हम चौड़ाई के लिए 2 इंच पे निशान लगा देंगे, क्योंकि मोरी की चौड़ाई रखी थी हमने 10.5 इंच और जो बीच के पीस कट किए थे उसको बिल्कुल फिक्स चौड़ाई के साथ कट किया था। तो इसमें हमारा 1/2 इंच मार्जिन दोनों तरफ से सीम अलाउंस के लिए चला जाएगा। तो इसमें हम 1/2 इंच इंक्लूड करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। तो उसके लिए हम साइड से इसके विड्थ में 2 इंच पे निशान लगा देंगे। 2 इंच की विड्थ में जो निशान लगाया था इस निशान को ऊपर तक सीधा कर दिया है और बीच का पीस जो हमने कट किया था इसी की लेंथ के बराबर लेंथ के लिए निशान लगा दिया है।
और इस निशान को सीधा कर दिया है, और जहाँ पे हमने लेंथ का निशान लगाया है वहां से ऊपर के लिए उस कॉर्नर पे जैसे हमने इस तरफ मार्किंग की थी सेम वैसी ही मार्किंग उस कॉर्नर पे भी कर दी है 7 इंच की लेंथ में और 2 इंच की विड्थ में। जहाँ पे 7 इंच की लेंथ आ रही है वहां से भी इस निशान को सीधा कर दिया है। अब हम मेजरिंग टेप को इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक रखेंगे। देखिए मेजरिंग टेप को इस कॉर्नर से रखा था उस कॉर्नर तक और इस निशान को तिरछा सीधा कर दिया है। अब बिल्कुल सेम निशान पे हम कट कर देंगे। देखिए जैसे मार्किंग की थी बीच से सेम उसी मार्किंग पे कट कर दिया है और साइड से 2 इंच का जो निशान लगाया था वहां से इस फैब्रिक को अलग कर दिया है और सेम उस कॉर्नर पे भी फैब्रिक को अलग कर दिया है और नीचे से जो लेंथ मेजर की थी उससे भी फैब्रिक को अलग कर दिया है। अब हम इन तीनों एक्स्ट्रा पीसेस को पहले हटा देंगे। अब ये साइड के पार्ट्स निकल आए हैं जिसमें हम घेर बनाएंगे और जहाँ पे मैंने व्हाइट कलर का थ्रेड रखा है यहाँ से ये क्रॉच लेंथ हो गई, तो क्रॉच लेंथ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेके स्टिच कर देंगे और सेम ऐसे ही मैंने उस कॉर्नर पे भी थ्रेड रखा है वहाँ पे भी 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगा देंगे। दोनों पार्ट्स के क्रॉच लेंथ पे सिलाई लगा ली है। अब हम साइड के पार्ट्स को एक साइड से ओपन करेंगे। साइड से ओपन करने के बाद बीच के पार्ट्स जो कट किए थे उसमें से एक पार्ट को जैसे प्लेस किया है ऐसे प्लेस करने के बाद यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल सीधे नीचे तक सिलाई लगा देंगे। जैसे एक साइड सेंटर का पार्ट अटैच किया था सेम तरीके से दूसरी साइड भी इसे अटैच कर दिया है। अब साइड के पार्ट जो बचे हुए थे इसे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे एक साइड से और अटैच कर देंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड भी इसे अटैच कर देंगे। दोनों क्रॉच एरिया को ऐसे बराबर मिला के रखेंगे। अब जहाँ से हमने जॉइंट लगाया है वहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे। इसमें हम 3.5 इंच गहरी प्लेट्स डालेंगे। अब इस निशान से कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करते हुए प्लेट्स डाल देंगे और इस तरह प्लेट्स डालने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देंगे। देखिए जैसे इस तरफ 3.5 इंच गहरी प्लेट डाली थी सेम वैसे ही इस तरफ भी डाल दी है। अब हम इसमें सामने की प्लेट्स डालेंगे, तो क्रॉच एरिया के निशान से एक साइड की हम आपको प्लेट्स डालना बताते हैं। बेबी का हिप साइज है 28 इंच और सलवार हम 4 इंच लूजिंग के साथ बनाएंगे, तो टोटल हो गया 32 इंच। 32 का 1/4 हुआ 8 इंच। तो बैक साइड के पार्ट पे हम क्रॉच एरिया के ज्वाइंट से 8 इंच पे पहले निशान लगा देंगे। इस तरह से हमें साइड का सेंटर मिल गया है। अब फ्रंट में हम जितनी भी प्लेट्स डालेंगे वो साइड के सेंटर से 1.5 इंच पीछे के लिए डालेंगे, क्योंकि प्लेट्स हम जितनी गहरी और कम स्पेस में डालते हैं उतनी ही प्लेट्स पीछे की तरफ घूमती हैं, जिससे पटियाला सलवार का घेर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो फ्रंट पार्ट के सेंटर से 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे और जैसे हमने बैक में एक प्लेट डाली थी सेम वैसे ही इसमें भी 3.5 इंच गहरी प्लेट्स डालेंगे। इस निशान से हम वैसे ही कपड़े को फोल्ड करेंगे जैसे बैक में प्लेट डाली थी। ऐसे एक प्लेट डालने के बाद इसके ऊपर हम 1/2 इंच का गैप लेते हुए निशान लगा देंगे और फिर इस निशान से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर से यहाँ पे वैसे ही प्लेट्स डाल देंगे और इस प्लेट्स को हम ये 1/2 इंच के निशान तक ही रखेंगे और इस तरह से हम सारी प्लेट्स को डाल लेंगे। जैसे हमने ये 3 प्लेट्स डाली हैं, सेम वैसे ही बाकी की प्लेट्स भी डाल देंगे। देखिए सारी प्लेट्स को डाल दिया है और जैसे हमने इस तरफ प्लेट्स डाली हैं, सेम वैसे ही इस तरफ भी प्लेट्स डाल दी है और यहाँ से इसकी कमर मैंने 16 इंच तैयार रखी है। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट के लिए मैंने एक स्ट्रेट पट्टी कट कर ली है और यहाँ से ये डबल फोल्ड है। इसकी लेंथ रखी है 7.5 इंच। बेल्ट की लेंथ ली थी हमने 5 इंच और नीचे से 1/2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड किया है और ऊपर से नेफा पलटने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब 2 इंच का गैप लेके हम पूरे पे पहले निशान लगा लेंगे। और इसकी चौड़ाई रखी है 16 इंच। 16 इंच कमर का साइज लिया है और 1 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड किया है। अब साइड से भी इसे स्टिच कर देंगे, तो यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे 1 इंच का मार्जिन लेके और 5.5 इंच तक यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे सिलाई को घुमाते हुए नीचे हम उतार देंगे।
देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे और ऊपर की साइड में नारा डालने के लिए लगभग हाफ इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। और जैसे हमने ये सिलाई लगाई थी सेम वैसे ही इस तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अब ये मार्जिन भी अंदर के लिए स्टिच कर देंगे। तो बेल्ट को पहले इस तरह प्लेस करेंगे और इस मार्जिन को सेंटर से ओपन करेंगे। एक साइड से मार्जिन को अंदर के लिए फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए बिल्कुल साइड से सिलाई लगा के इसको स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह मार्जिन को स्टिच कर देंगे। अब हम नेफे को भी फोल्ड करेंगे। तो ऊपर से पहले हाफ इंच मार्जिन अंदर के लिए फोल्ड करेंगे और 2 इंच का जो निशान लगाया था यहाँ से फैब्रिक को बिल्कुल बराबर ऐसे फोल्ड करेंगे। बिल्कुल साइड से सिलाई लगाते हुए पूरे फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर देंगे। पूरे नेफे को फोल्ड कर दिया है पीछे तक और यहाँ पे जो ओपन रखा था यहाँ से देखिए नारा पड़ जाएगा। अब बेल्ट को सलवार के साथ स्टिच करेंगे। तो बेल्ट को भी पहले उल्टा रखेंगे और सलवार को भी उल्टा रखेंगे। बेल्ट में जो हमने ज्वाइंट डाला है इस ज्वाइंट को क्रॉच एरिया के ज्वाइंट से बिल्कुल बराबर मिलाएंगे। इस तरह से बराबर मिलाते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके पूरी बेल्ट को स्टिच कर देंगे। बेल्ट को पूरा स्टिच कर दिया है और ये मार्जिन ऊपर की तरफ ही रखते हुए ऊपर से सिंगल फुट का मार्जिन लेके सिलाई लगा लेंगे। अब हम नीचे से मोरी को भी फोल्ड करेंगे। नीचे से कपड़े को बराबर करके रखेंगे और इसका उल्टा साइड अपनी तरफ रखेंगे। हार्ड पेस्टिक से 1 इंच चौड़ी 2 स्ट्रेट पट्टी कट कर लेंगे। अब जिस तरफ से ये पेस्टिक शाइन कर रही है उस तरफ से इसके ऊपर चिपका देंगे। तो नीचे से पहले हाफ इंच का मार्जिन छोड़ देंगे और इस तरह से रखते हुए पेस्टिक को हम चिपका लेंगे। देखिए पेस्टिक को चिपका लिया है और इससे चौड़ी एक स्ट्रेट पट्टी कट कर लेंगे सेम फैब्रिक से। अब इस पट्टी को नीचे रखेंगे और इसके ऊपर मोरी को हम ऐसे रखेंगे और नीचे से हाफ इंच का जो मार्जिन छोड़ा है वहां से सिलाई लगा के इसको स्टिच कर देंगे। पेस्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, पेस्टिक के बिल्कुल बराबर से सिलाई लगाएंगे। देखिए पेस्टिक के बिल्कुल साइड से सिलाई लगा दी है। अब इस पट्टी को हम अंदर के लिए पलट देंगे। तो पट्टी को पहले बाहर निकालेंगे और पेस्टिक को कवर करते हुए इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर देंगे। पहले एक साइड से सिलाई लगा के इसको स्टिच कर देंगे और बीच में हम सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा ली है और सेम ऐसे ही दूसरी मोरी भी बना ली है। अब मोरी को हम सेंटर से बराबर फोल्ड करेंगे और सलवार को साइड से भी स्टिच कर देंगे। तो मोरी की चौड़ाई रखनी थी हमें 10.5 इंच। 10.5 इंच का हाफ हुआ 5.25 इंच। तो सेंटर से 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को ऐसे तिरछा मिला देंगे। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे सिलाई को लॉक कर देंगे और इस तरह से तिरछे पे हम सिलाई लगाते जाएंगे दोनों पार्ट्स को बराबर मिलाते हुए और पूरी यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से सलवार को स्टिच कर दिया है और इसे प्रेस करने के बाद बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। इसे पहनने के बाद घेर काफी अच्छा आएगा और जब ये ड्रेस बेबी को मिल जाएगा तो इसकी फोटो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट जरूर करूंगी। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं नई नई पोस्ट डालती रहती हूँ। और सूट पूरा कंप्लीट हो गया है, दिवाली आ रही है तो दिवाली में आप भी ये ट्रेडिशनल ड्रेस जरूर ट्राई करिएगा। ड्रेस अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेंगी। तो हम दिवाली में और ऐसी नई ड्रेसेस की वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।